नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? द रीजनेबली ट्रस्टवर्दी डिजिट्स डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वान्टिटी विथ प्रॉपर एक्यूरेसी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट कौन सी फिगर्स होती हैं? दिस आर दोज फिगर्स जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रस्टवर्दी और जो मोर एक्यूरेट फिगर्स हैं हम उन्हीं को लेते हैं। उन्हीं की जैसे कोई सपोज करो मैंने कोई फिजिकल क्वान्टिटी है उसकी मैंने मेजरमेंट करी, कुछ वैल्यू आई, तो उस वैल्यू के अंदर मैं वही फिगर्स लूँगी जिनकी मुझे एक्यूरेसी है, जिनका मुझे पता है कि वो एक्यूरेट हैं। बाकी मैं फिगर्स नहीं लूँगी, बस वो फिगर्स लूँगी जिनकी मुझे एक्यूरेसी है। तो और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर प्लस वन एडिशनल डिजिट विच इज़ अनसर्टेन आर कॉल्ड रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर डेफिनेशंस क्या है कि जो हमारा मेजरमेंट है किसी भी क्वांटिटी के, हमारी मेजरमेंट है उसमें जो हम एक्यूरेट फिगर्स जो है वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में हम कौन सी फिगर, एक फिगर कौन सी लेते हैं जो अनसर्टेन है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर विच कंटेन्स द एक्यूरेट फिगर एज वेल एज वन अनसर्टेन फिगर्स। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच कंटेन्स बोथ द एक्यूरेट एंड अनसर्टेन फिगर्स। फिगर्स जो अनसर्टेन होगी वो एक ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बाकी जो है एक्यूरेट फिगर्स होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोल, रोल ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रोल क्या है, क्या ये हमारे डेली यूजेस में क्या काम आता है, कैसे हमारे कैलकुलेशन में काम आता है, कैसे हमारे मेजरमेंट में काम आता है। तो इस चीज़ के लिए लेट अस कंसीडर द इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ 1/3। हम कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, जब हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में जब हमने 1 को 3 से डिवाइड किया और 1 को 3 से डिवाइड किया साथ में मल्टीप्लाई 3 किया, तो ये रिजल्टेंट क्या 1 आना चाहिए। पर हमने इस केस में क्या किया, पहले 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.3 आ रहा है और फिर 3 मल्टीप्लाई किया है तो 0.9 आ रहा है, क्योंकि जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो वो आता है 0.3333 समथिंग, वो आपका एक्यूरेट नहीं आता, वो आपका आता है 0.3333333। जैसे मैं ये कह रही हूँ ना कि जो ये वाली वैल्यू आती है वो आप कहते हैं 0.3333, ये कितने भी ये इन्फानाइट होते हैं। तो इस केस में अगर आप अभी सिंगल 3 ले रहे हो, फिर आप 3 ले रहे हो, बल्कि 0.333 × 3, फिर 3 9 आ रहे हैं, जब आप 4 ले रहे हो तो 4 9 आ रहे हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि 0.999 4 × 9 इज़ मोर क्लोज टू 1। क्या लिखा हुआ है कि 0.9999 इज़ मोर क्लोज टू 1 देन 0.999, मतलब कि जो 4 × 9 है ये ज़्यादा पास है किसके, 1 के, एज़ कम्पेयर टू 3 वाला 9, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। जो आपकी वैल्यू, क्योंकि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो तो 1 आ रही है ना, और जो हमारे पास 0.999 है ये ज़्यादा क्लोज है किसके, 1 के, तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू हमारा 0.9। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.999 इज़ मोर क्लोज टू 1 दैन 0.999 विच इन टर्न मोर क्लोज टू 0.99, ठीक है। एंड सो ऑन सो 0.9 इज़ द लीस्ट वैल्यू, तो और कह सकते हो कि 0.9 आपकी क्या है, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। सेकंड आगे हमने क्या पढ़ना है, रूल्स, रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑब्टेन करने के लिए या निकालने के लिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी कोई डिजिट जीरो नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे फिगर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे आपके पास नंबर है 142.85, इसमें कितने फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5। देखो जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 5। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, 5। ऑल नॉन जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जो जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। जैसे देखो इसके अंदर, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो ये जीरो आ रही है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये जीरो इनके बीच में आ रही है, तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट है। ये 2 0, ये 2 0, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये 2 0 इनके बीच में आ रही है, तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6। ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर व्हेन डेसिमल पॉइंट इज नॉट
इंसर्टेड एंड टू राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 307000 है, ठीक है। जैसे आप कई बार लिखते हो, आप लिखते हो 100 रुपये, ठीक है, कई बार आप डॉट डाल के ऐसे जीरो लिखते हो, तो जो ये जीरो होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, ठीक है। या आप लिखते हो 100000, इसमें ये जो चारों हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, ये सिर्फ जो वन है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही आपको दे रखा है 3700, इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये जीरो इसलिए गिनी है क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये सॉरी नॉन जीरो के बीच में, इसलिए ये जीरो गिनी गई है, इसलिए 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो जीरो इधर को राइट साइड को आती है नॉन जीरो के, वो जीरो जीरो नहीं, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाती। ऑल जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द एक्सप्रेस डेसिमल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, ठीक है, जैसे 307000.0, ये पॉइंट ये हमारा डेसिमल है। डेसिमल के जो लेफ्ट में होते हैं जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी जो डिजिट्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, पर जो डेसिमल्स के राइट में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आगे आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, क्या उसके रूल होते हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं। व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स, द रिजल्ट विल रिटेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इक्वल टू दैट एज कंटेन इन लिस्ट प्रिसाइज। जो आप जब भी आप किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स या आप बोल सकते हो किसी भी नंबर को, आप जब ऐड करते हो उस नंबर में जितने पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, उतने एडिशन के बाद होते हैं। जैसे सपोज करो मैं 32 और 43 को ऐड करूँ, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐड करो कि 5 आएगा 7 आएगा, इसमें भी कितनी है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो दोनों केस में वो सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने रिटेन करता है। जैसे 5.621, 4.130, 1.200, जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास है 10.951, पर इसको हम सिग्निफाई, मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो ये 51 वाला है, ये जो 51 वाला फैक्टर है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 51 वाला है ये आपका क्या है, एरर है। तो जो आंसर आएगा वो 10.9 होगा, नहीं ना कि 10.951। जब आप इसके और एग्जांपल्स देखोगे बुक में तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू।